हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो और स्वागत है आपका एक और न्यू वीडियो में। और आज की वीडियो के अंदर मैं आपको दोस्तों MIUI 12 अपडेट के बारे में बताने वाला हूं। अगर आप Redmi Note 5 के यूज़र हैं और MIUI 12 अपडेट का इंतजार कर रहे हैं तो आज की इस वीडियो में आपको इसी के बारे में इन्फॉर्मेशन दूंगा। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी जिसको काफ़ी लोगों ने देखा एंड उस वीडियो को देखने के बाद अभी भी बहुत सारे लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है। तो आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बात करेंगे MIUI 12 ग्लोबल स्टेबल अपडेट के लिए जो Redmi Note 5 का डिवाइस है उसके अंदर। तो मैं आपको दोस्तों बता दूं, मैंने उसमें साफ साफ बोला था कि जो Redmi Note 5 है उसको MIUI 12 का अपडेट नहीं मिलेगा। मैं मानता हूं कि दोस्तों मैंने आप लोगों को टाइम वेस्ट करा, बट मैं आपको बता दूं मुझे जो भी इन्फॉर्मेशन मिलती थी गूगल पे सर्च करने पे और जिस हिसाब से इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मैं आपको बोलता था कि अपडेट इस डेट को आएगा, अपडेट इस महीने में आएगा, लेकिन डेट होती रही लेकिन अपडेट नहीं आया है। और अब दोस्तों क्या है कि अगर MIUI 12 अपडेट सर्च करो Redmi Note 5 के लिए तो आपको सही से इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिल रही है और टाइम निकलता जा रहा है। तो ऐसे में दोस्तों सारी जो उम्मीद है वो सब खत्म हो गई हैं और जो अपडेट है वो इस फ़ोन में नहीं आएगा। जो भी दोस्तों मैं इन्फॉर्मेशन मिलती थी सिर्फ इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपको वीडियो बनाकर देता था और मैं कोई भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता था। तो अभी आप कुछ लोग कन्फ्यूज हैं तो आप इसको देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। मतलब काफ़ी सारे लोग हैं जो अभी भी वेट कर रहे हैं यार अपडेट का, और मतलब वेट तो करेंगे ही, अपडेट मिलना चाहिए MIUI 12 का, जिसके उसके बाद चाहे ना दे। तो यहाँ पर एक यूज़र ने दोस्तों शाओमी से बात करी थी Redmi Note 5 के लिए, जो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो इसके अंदर आप लोग देखेंगे यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। काफ़ी सारे लोग हैं जो कि बात करते हैं कंपनी से कि अपडेट उनको दे दिया जाए। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इसको आप ध्यान से देखिएगा, जो कि यहाँ पर Redmi Note 5 के लिए इन्फॉर्मेशन है, अपडेट के लिए पूछा है और बात करी कि अपडेट जो है वो कब तक आएगा Redmi Note 5 के अंदर। तो यहाँ पर देखिए पूरे मैसेज हैं जो कि आप देख रहे हैं MI यानी कि Xiaomi के, उससे बात करी है एक यूज़र ने जिनका यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं सब कुछ। तो ये देखिए यहाँ पर आपको सारे मैसेज दिख रहे हैं, आप इसको पढ़ सकते हैं वीडियो स्टॉप करके अगर मेरी बातों पर विश्वास ना हो। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो दिखा रखा सारा कुछ। और अभी आप यहाँ पर देखिएगा, मैं आपको दिखाता हूँ नीचे की तरफ से, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है देखिए, वी हैव स्टार्टेड रिलीजिंग द MIUI 12.0.2 फॉर Redmi Note 5 Pro डिवाइस। तो ये तो हमें पता ही है, ये तो Redmi Note 5 ही नहीं, लिखा Redmi Note 5 एलिजिबल फॉर MIUI 12, प्लीज़ अलाउ सम टाइम। तो ये देखो फिर से प्लीज़ अलाउ सम टाइम, मतलब टाइम 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 भाई, टाइम 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 देख कर दिमाग ख़राब होता है। टाइम इन्होंने यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि कोई अपडेट नहीं आएगा Redmi Note 5 के लिए। ये बोल रहे हैं कि अभी Redmi Note 5 एलिजिबल है MIUI 12 अपडेट के लिए, लेकिन अलाउ करें सम टाइम के लिए। टाइम करते करते एक साल डेढ़ साल कितना टाइम निकल गया, फिर आप लोग उल्टा सीधा कमेंट करके भी बोलते हैं कि डेट निकल गई लेकिन अपडेट अभी तक नहीं है। तो यही वो इन्फॉर्मेशन होती है, मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन यूज़र कोई बात करता है या फिर कहीं से भी हम सर्च करते हैं तो वो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आप लोगों बताते हैं। तो अभी ये यही बोल रहे हैं कि आप Redmi Note 5 एलिजिबल है MIUI 12 अपडेट के लिए। Redmi Note 5 Pro की तो बात अलग है, उसको तो अपडेट मिल गया है। Redmi 5 Plus जो है, जो हमारा Redmi Note 5 है, एलिजिबल है, बट यहाँ पर अभी जो है आप अलाउ करें सम टाइम के लिए। देखिए मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर आप Redmi Note 5 के अंदर चाहते हैं अपडेट इंस्टॉल करना, MIUI 12 को इंस्टॉल करना, तो मैं आपसे कहूँगा कि आप उसमें TWRP रिकवरी इंस्टॉल करें किसी के लैपटॉप से, अपने फ्रेंड के लैपटॉप से, और बहुत ही आसानी से आप उसके अंदर MIUI 12 यू आर अलोन जो भी है इसको आप यूज़ कर पाएंगे। तो यही आपसे कह रहा हूँ कि आप इसके अंदर MIUI 12 इंस्टॉल करनी है तो आप कस्टम रिकवरी की वजह से थोड़ा कष्ट उठा लीजिए, क्योंकि यार देखो अपडेट का कुछ नहीं पता। ये कंपनी वाले बोल रहे हैं अलाउ करें सम टाइम के लिए, फिर आप लोग बोलेंगे भाई टाइम टाइम निकलता जा रहा है और देखिए अपडेट आता नहीं है। तो यही से आपसे कह रहा हूँ कि जो अपडेट अगर आप चाहते हैं इंस्टॉल करना तो यार देखो Redmi Note 5 के अंदर इंस्टॉल कर लो, और आप लोगों से ज़्यादा मेरा नुकसान है इसमें सच में, क्योंकि देखो ना मैं वीडियो बना पाऊँगा और ना कुछ, अगर जो समझने वाला होगा समझ जाएगा, अपडेट की वीडियो भी नहीं बना सकता। तो मैं आपसे ज़्यादा दुखी हूँ कि Redmi Note 5 को अपडेट नहीं मिला है। और मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सारी वीडियोज़ को देखिए, आपको पता है चैनल की हालत कैसी हो रही है। मैंने कुछ वीडियोज़ का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया है Redmi Note 5 की, बाकी आप सारी वीडियोज़ देखो थोड़ी थोड़ी, तो मैं यार और आपके लिए और अच्छी अच्छी वीडियो बना सकता हूँ, और इस फ़ोन के लिए भी कुछ अगर हो सकता है तो वो भी कर सकते हैं। बाकी आप लोगों से यही कहूँगा कि कस्टम रिकवरी इंस्टॉल करें, MIUI 12 अपडेट इंस्टॉल करना है तो, बाकी कंपनी वाले तो बोल रहे हैं अभी वेट करो और पता नहीं कब तक वेट करना पड़ेगा। तो अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन ठीक ठाक लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, एंड मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।